आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं iOS 16 के कुछ अमेजिंग हिडन फीचर्स के बारे में। तो यार क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूँ डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला हिडन फीचर है वो है स्क्रीनशॉट्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं अपने आईफोन पे हूँ और मैं लेने वाला हूँ एक स्क्रीनशॉट। इसके बाद इस पर करेंगे प्रेस, और इसके बाद हम प्रेस करेंगे शेयर बटन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया ऑप्शन आपके पास आ जाता है जिसकी मदद से आप रीनेम कर सकते हैं अपने इस स्क्रीनशॉट को कुछ इस तरीके से। जो नेक्स्ट हिडन फीचर है वो है आईफोन के बैटरी परसेंटेज के बारे में। अब आप देख सकते हैं अपने आईफोन की बैटरी परसेंटेज की मदद से। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है बैटरी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम है बैटरी परसेंटेज। इसको आपको एनेबल कर देना है। अगला हिडन फीचर है स्पॉटलाइट सर्च के बारे में। अब आप एक्टिवेट कर सकते हैं स्पॉटलाइट सर्च को अपने होम स्क्रीन पे। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है होम स्क्रीन वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे सर्च का एक ऑप्शन है, इसको आपको एनेबल कर देना है जिस ऑप्शन में लिखा है शो ऑन होम स्क्रीन। अगले फीचर की मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं एक अलार्म होम स्क्रीन से। अलार्म को क्रिएट करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं इस सर्च बटन पे। इसके बाद आपको लिखना है अलार्म, और उसके बाद प्रेस कर देना है गो, और यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं एक अलार्म अपने लिए बिना क्लॉक के ऐप में जाए। नेक्स्ट जो हिडन फीचर्स हैं वो है फोटोज के ऐप में। तो यहाँ पे मैं फोटोज के ऐप में हूँ और मैं प्रेस कर रहा हूँ एडिट बटन पे, और यहाँ से आप फोटो को एडिट कर सकते हैं काफी आसानी से। आप ब्रिलियंस, हाइलाइट्स, शैडोज, इन सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको दो नए बटन मिल जाते हैं, जो है अंडू का बटन और रीडू का बटन, जिसकी मदद से आप अपने एडिट्स को अंडू या रीडू कर सकते हैं। अगर आपको किसी फोटोज के लोकेशन डिटेल्स या डेट या टाइम चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस फोटो को। उसके बाद आपको प्रेस करना है इन तीन डॉट्स पे, और यहाँ पे नीचे आपके पास दो नए ऑप्शन आते हैं, जो है एडजस्ट डेट एंड टाइम या एडजस्ट लोकेशन। आप बल्क चेंजेस भी कर सकते हैं। प्रेस करना है सेलेक्ट पे, उसके बाद सेलेक्ट करना है सारे फोटोज को। इसके बाद आपको प्रेस करना है इन तीन डॉट्स पे, और यहाँ से आप चूज कर सकते हैं रिवर्ट टू ओरिजिनल, अगर आपको सारे एडिट्स निकाल देने हैं इन फोटोज से, या अगर आपको लोकेशन या डेट और टाइम चेंज करना है तो यहीं से आप इनको कर सकते हैं। iOS 16 में फोटोज के ऐप में हिडन फोटोज और डिलीटेड फोटोज दोनों ही लॉक्ड हैं, जिनको एक्सेस करने के लिए आपको फेस आईडी या टच आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला जो हिडन फीचर है वो है कीबोर्ड हैप्टिक्स के बारे में। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है साउंड्स एंड हैप्टिक्स वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो है कीबोर्ड फीडबैक का। इस पे आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आपको हैप्टिक फीडबैक चाहिए आपके कीबोर्ड से तो आप इस वाले ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं, ताकि आपको कुछ वाइब्रेशन सुनाई दे जब आप टाइप कर रहे हैं अपने कीबोर्ड पे। अगला हिडन फीचर है मेल ऐप में, जिसकी मदद से आप शेड्यूल कर सकते हैं अपने ईमेल्स को। तो मैं आ गया हूँ मेल ऐप में, और यहाँ पे मैंने एक सैंपल ईमेल भी लिख दिया है। अगर मुझे इसे शेड्यूल करना है तो मुझे लॉन्ग प्रेस करना है इस ब्लू एरो पे, और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि अगर मुझे ये मेल अभी भेजना है तो मैं प्रेस कर सकता हूँ सेंड नाउ पे, या मैं शेड्यूल कर सकता हूँ इसको रात 9 बजे को, या मैं कल सुबह इसे शेड्यूल कर सकता हूँ, या अगर मुझे एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं चूज कर सकता हूँ एक स्पेसिफिक डेट और टाइम जब मुझे ये मेल भेजना है। अगला हिडन फीचर है सफारी में। iOS 16 की मदद से अब आप शेयर कर सकते हैं अपने सफारी एक्सटेंशंस को अपने अलग अलग डिवाइसेस के साथ। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, उसके बाद जाना है सफारी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक्सटेंशन का ऑप्शन, और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा जिसका नाम है शेयर अक्रॉस डिवाइसेस। इसको आपको एनेबल कर देना है। और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं, और अगर यहाँ पे नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मैं आपसे मिलने आऊंगा बहुत जल्द एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।